हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एएलपी का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें हम लोग ब्रिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें ब्रिक टेस्ट में हमें किस तरीके से क्वेश्चन को दिया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन हमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमें उसमें और क्या क्या चीज़ों को हमें फाइंड करना है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या होता है बेसिकली ब्रिक टेस्ट में कि जो अपना अपने जो एक हमें क्या होता है कि एक ब्रिक्स का कुछ अरेंजमेंट्स में दिया जाता है। बेसिकली वो क्यूबॉइड या फिर क्यूबॉइडल फॉर्म में, क्यूब या फिर क्यूबॉइडल फॉर्म में हमें वो रिप्रेजेंट किया जाता है और हमें ये बताना होता है कि कौन सा ब्रिक्स जो है कितने ब्रिक्स से टच हो रहा है। एक पर्टिकुलर ब्रिक बता दिया जाएगा, हमसे ये पूछा जाए कि ये जो ब्रिक है वो कितने ब्रिक्स से टच हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं कि हमें ये समझना कैसे है, किससे हमें ये पता चलेगा, पता करेंगे कि वो कितने सारे ब्रिक्स से टच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ब्रिक लूँ, ठीक है, इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस लूँ, इसको मैं वाई एक्सिस लूँ, इसको मैं जेड एक्सिस लूँ, और इसको मैं अगर लेंथ लूँ, ठीक है, और इसको मैं ब्रेथ लूँ, इसको मैं क्या करूँ, हाइट लूँ, तो हमें ये चीज़ में नोट करना है कि अपना जो ब्रिक का लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होता है ना, उसका रेशियो होता है 4:2:1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 4:2:1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको ये ब्रिक दिखाऊँ, ठीक है, अगर मैं आप ब्रिक दिखाऊं और बोलूं कि अपना जो ये ब्रिक ई है वो कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे जाके वो ब्रिक जो है एंड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था कि अपना जो ब्रिक है उसका जो लेंथ है वो होता है 4 यूनिट्स, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ जो है, ये एक ब्रिक है, इसका जो लेंथ है 4 यूनिट्स है, और ये वाला जो ऊपर ब्रिक सी है उसका ये हाइट है, तो हाइट मैंने बताया था कि ये 1 यूनिट है। तो टोटल जो अपना अरेंजमेंट है उसका जो ये पोर्शन जो हो गया ना वो 5 यूनिट का हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं इस तरफ देखूँ, इस डायरेक्शन में देखूँ, तो ये 1:1:1:1, तो ये अरेंजमेंट जो है वो इस तरफ हो गया 4 यूनिट लेंथ का। तो अगर मैं अब मैं ब्रिक ई के बारे में बात करूँ तो हमें पता है कि ब्रिक ई जो भी अपना ब्रिक होता है उसका जो लेंथ होता है वो होता है 4 यूनिट्स का। तो इससे हमें ये पता चल गया यहाँ से कि ये अपना जो ब्रिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस सरफेस से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और ये इन सारे ब्रिक्स को टच होते हुए जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करके इस साइड में और एक ब्रिक मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ब्रिक्स को ऐड कर लिया, तो अब ये जब अरेंजमेंट हमें दिखाया दिया जाएगा, ठीक है, जब ये अरेंजमेंट हमें दिखा दिया जाएगा तो बेसिकली हमें कन्फ्यूजन होता है कि जो अपना ब्रिक ई है वो जो अपना लास्ट ब्रिक है उससे भी टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो इमेजिनरी है ये हमें खुद से ये पता लगाना है कि ये टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर देते हैं कि अपना जो लास्ट ब्रिक है, ठीक है, ये लास्ट ब्रिक है इसको भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमें लगता है कि ये ब्रिक जा करके यहाँ ख़त्म हो रहा है, एंड पोर्शन में ख़त्म हो रहा है, ये ब्रिक हमें यहाँ एंड पोर्शन में ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक्चुअली मैं बात करूँ तो हमें पता है कि अपना जो ब्रिक होता है उसका लेंथ होता है 4 यूनिट, तो हमने यहाँ से ऑलरेडी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, ये हो गया 1 यूनिट, ये 1:1:1, तो ये ब्रिक जो ई है वो यहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये इस ब्रिक से टच नहीं होगा, इसका सरफेस जो अपना लास्ट ब्रिक है उससे टच नहीं होगा सरफेस। तो इसी तरीके से हमें ये जो रेशियो है ये हमें हेल्प करता है फाइंड करने में, डिटरमाइन करने में कि अपना जो ब्रिक है वो कितना लंबा है, कहाँ तक वो ब्रिक का लेंथ है, कहाँ जाके फिनिश हो रहा है, क्योंकि हमें ब्रिक का जो ई लेंथ, जो अपना जो ब्रिक ई है उसका लेंथ जो है हमें यहाँ पे एक्चुअली दिखाया नहीं गया, हमें इमेजिन करना है कि ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो हम इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि अपना जो ब्रिक है ये हमें सब पता, सबको पहले से मालूम है कि इसमें टोटल 6 सर्फेसेस होते हैं, ठीक है, और 8 एंगल्स होते हैं। अब ये एंगल्स कौन कौन से है, देखिए ये वाला एंगल हो गया, ये 4 एंगल इस तरफ हो गया और 4 एंगल इसके पीछे के साइड हो गए, ठीक है, पीछे के साइड हो गए 4 एंगल, टोटल 8 एंगल्स होते हैं और 12 साइड्स होते हैं। 12 क्या होते हैं, साइड्स, 4 इधर, 4 पीछे और ये 4 इसके इस डायरेक्शन में, तो टोटल कितने हो गए, 12 साइड्स हो गए। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नोट ये करना है ना कि मोस्टली हमें ये चीज़ में कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि जो अपना ये ब्रिक है, अगर मैं ब्रिक सी के बारे में बात करूँ तो अपना जो ब्रिक है उसमें जो ये एंगल के बारे में बात करूँ, इस एंगल के बारे में बात करूँ, तो ये अपना जो एंगल है वो इस ब्रिक से भी तो टच हो रहा है। ठीक है, इस ब्रिक से भी तो टच हो रहा है, ये अपना जो ये जो ब्रिक है इससे भी तो टच हो रहा है, ब्रिक सी का जो एंगल है ये वाला एंगल जो है इससे भी तो टच हो रहा है।
ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि हमें उसी चीज उसी ब्रिक्स को काउंट करना है जिसका सिर्फ सरफेस टच हो, ठीक है। हमें कोई भी किसी भी ब्रिक्स का एंगल या फिर साइड है वो टच हो रहा है तो उसे हमें नहीं काउंट करना है, हमें सिर्फ उसके सरफेसेस को काउंट करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि तो यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूँ, इस अरेंजमेंट को देखूँ, तो अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया गया है, ये हाउ मेनी ब्रिक्स इज इट टचेस, और यहाँ पे सबसे पहला है ब्रिक ए, ठीक है। तो जैसे अपना ये ब्रिक ए है वो किससे टच हो रहा है, तो एक इसके जो एडजेसेंट साइड है ये दो दो ब्रिक इससे टच होगा, एक अपर सरफेस से टच होगा, ठीक है। और जस्ट इसके पीछे देखिए, अब ये दो यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, अब इसके पीछे आ जा रहा है ये वाला ब्रिक ई डी और ये लास्ट ब्रिक, ठीक है। टोटल कितने हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। तो अपना जो ब्रिक ए है वो 6 जो ब्रिक्स है उससे टच हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ब्रिक बी के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो अपने अगर मैं यहाँ देखूँ ब्रिक बी के बारे में, तो अपना ब्रिक बी है जो है वो एक ये दो सरफेस से टच होगा और एक सी से टच होगा, ठीक है। और ये जो दो ब्रिक्स है इन दो ब्रिक्स से टच होगा क्योंकि ये ब्रिक जो है वो पूरा एंड तक जा रहा है, तो ये इस ब्रिक्स से टच होगा। तो टोटल हो गया अपने पास 1 2 3 4 5, टोटल 5 ब्रिक्स आ जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट है अपना ब्रिक सी। तो अगर मैं ब्रिक सी के बारे में बात करूँ, तो जैसे अपना जो ब्रिक सी है वो तो इस ब्रिक से टच हो रहा है, फिर एक ए ब्रिक से टच हो रहा है, एक बी ब्रिक से टच हो रहा है, ठीक है, और ये लास्ट के इस तरफ के दो ब्रिक्स से टच हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया अपना, टोटल 5 ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक सी जो भी है जो है वो 5 ब्रिक्स से टच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ब्रिक डी का मैं बात करूँ, तो ब्रिक डी जो है वो तो एक ये दो ब्रिक्स से टच होगा, ठीक है, एक ये और एक ये ब्रिक से टच होगा, एक इसके नीचे वाले ब्रिक से टच होगा, और ये ब्रिक डी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस सरफेस तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली इन चारों ब्रिक से टच होते हुए जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो अपना ब्रिक डी हो गया, और एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल 7 हो गया, ठीक है। जो अपना ब्रिक डी है वो 7 ब्रिक से टच हो रहा है, और लास्ट अपना ब्रिक ई है, ठीक है। ब्रिक ई जो है वो होगा एक ये एक ये एक ये एक ये, चार इस तरफ वाले हो गए, दो ऊपर के हो गए, एक इस तरफ के हो गए और एक नीचे के हो गए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 4 5 6 7 8, तो अपना ब्रिक ई जो है टोटल 8 ब्रिक से टच हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़, अब इसके जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, इनके पैटर्न्स जो हैं क्वेश्चन पूछने के, तो हमें टोटल इस तरीके के 10 फिगर्स हमें दिखाए जाएंगे, ठीक है। 10 फिगर्स दिखाए जाएंगे और एक फिगर में हमें इस तरीके से 5 क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो एक फिगर होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस तरीके के फिगर्स टोटल हमें 10 फिगर्स हमें दिखाए जाएंगे, और टोटल टाइम दिया जाएगा हमें 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में अगर हमें कैलकुलेट करूँ सेकेंड में, तो ये 60 × 5 हो जाता है नियर अबाउट 300 सेकेंड्स, और हमें टोटल कैलकुलेट करूँ तो टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अराउंड हमें एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितने 6 सेकेंड्स हमें मिलता है, तो हमें इसमें बहुत एक्यूरेसी और बहुत स्पीड से इसे सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से जो है हम इसका एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इसके ऊपर टाइमर के साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। टोटल हम लोग 1 सेट्स को कवर करेंगे, जिसमें हम टोटल 10 ब्रिक्स और टोटल 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ और एक एग्ज़ाम्पल है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, और ये इसके कुछ आंसर्स हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।